हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल, वेलकम टू मैग्नेट प्रिंट्स। सो स्टूडेंट, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वाला हमारा टॉपिक पढ़ रहे थे और हमने दो बॉडीज को देख लिया था। दो बॉडीज के बारे में हम बात कर चुके थे, दैट इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इस लेक्चर में हम बात करेंगे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। सो जिन भी बच्चों को यूपीएससी के बारे में क्लियर होगा कि यूपीएससी क्या है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन क्या है, उनके लिए स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एक बहुत इजी टॉपिक होगा, 15 मिनट में खत्म करने वाला टॉपिक होगा। कि अच्छा, यूपीएससी पता है तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी पता चल जाएगा। कुछ इसमें एक एनालिसिस पार्ट है दैट आई विल टेल यू मोर और एवर, बाकी सब यूपीएससी से सेम रहेगा। एक जो थोड़ा सा एक डिफरेंस है, जो एक एनालिटिकल पार्ट है, वो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। The State Public Service Commission is also a constitutional body. ये भी constitutional bodies है। Constitutional body क्या होती है कि जिनके article constitution में mentioned होते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। जब हम UPSC को deal कर रहे थे तब मैंने आपको ये बताया था। आपके स्टेट में भी अपनी अपनी एक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है ना। जो बच्चा यूपी का होगा वो यूपीपीएससी के एग्जाम देता है, सुना होगा ना, यूपीपीएससी है ना। जो कोई राजस्थान में होगा तो राजस्थान का वहाँ पे एक पीएससी होता है, वहाँ पे अपना एक एग्जाम होता है, ठीक है। कोई मध्य प्रदेश का होगा तो यहाँ पे एमपीपीएससी का एक एग्जाम है ना कंडक्ट होता है। तो हर स्टेट में भी तो कुछ ना कुछ एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं, आप देखते हैं ना। तो वो क्या है, वो एग्जाम कौन कंडक्ट करवा रहा है? वो एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। देयर इज अ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इन एवरी स्टेट। द सेम सेट ऑफ आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल 315 टू आर्टिकल 323 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो डील विद द कंपोजिशन, अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ द मेंबर्स, पावर, फंक्शन, इंडिपेंडेंस ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। सेम आर्टिकल्स, इन आर्टिकल्स को आपको एक बार पढ़ना है, एक बार रिवाइज करना है, सो दैट चीजें आपको और क्लियर होगी। मोर और एवर इट इज अ रिविजन ऑफ यूपीएससी वाला पार्ट। नाउ व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन? द कंपोजिशन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इज सिमिलर टू दैट ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। सेम है, इज दैट सिमिलर ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। द मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर। किसको कौन नॉमिनेट कर रहा है इनको? गवर्नर। यूपीएससी में हमने क्या देखा था, यूपीएससी में सेम यहां पे क्या थे, प्रेसिडेंट और यहां पे गवर्नर। क्लियर है, बहुत बेसिक सी चीज है, बहुत छोटी सी चीज है। देन द फंक्शंस, हम फंक्शंस देख लेते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के। द फंक्शन ऑफ द बोथ द कमीशन आर सिमिलर, ओनली द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ यूपीएससी इज फार वाइडर देन स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के फंक्शंस एकदम सिमिलर है, लेकिन इनका स्कोप ज्यादा वाइडर है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का स्कोप ज्यादा वाइडर है। क्यों वाइडर होगा? क्योंकि यहाँ पे वर्ड है यूनियन, इनका स्कोप पूरे यूनियन, पूरा इंडिया में है, और यहाँ पे वर्ड है स्टेट, तो इनका जो स्कोप है वो सिर्फ अपने स्टेट में है। इनकी जो पावर अथॉरिटी है वो सिर्फ अपने स्टेट के अंतर्गत है और ये पूरे इंडिया में है, इसलिए यूपीएससी का स्कोप वाइडर है। The jurisdiction of Union Public Service Commission extend across the entire length and breadth of the country because it is related to the civil services of Union Government. The jurisdiction of State Public Service Commission is limited within the state. ठीक वही वाली बात जो मैंने आपको बताई कि इनका स्कोप पूरे कंट्री में है और इनका स्कोप विद इन दी स्टेट है, तो हम कह सकते हैं कि यूपीएससी का स्कोप वाइडर है कंपेरेबल टू स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन परफॉर्म ऑल दोज फंक्शंस इन रिस्पेक्ट टू स्टेट सर्विसेज एज द यूपीएससी डज इन रिलेशन विद द सेंट्रल सर्विसेज। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन वही काम करता है जो यूपीएससी करता है, लेकिन ये स्टेट सर्विसेज में, स्टेट सर्विसेज को ध्यान में रखता है। रिक्रूटमेंट वगैरह करने का काम स्टेट सर्विसेज की है और यूपीएससी की सेंट्रल सर्विसेज की है ना। यूपीएससी सेंट्रल सर्विसेज में रिक्रूटमेंट करती है एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेट सर्विस में रिक्रूटमेंट करती है। क्लियर है। इट कंडक्ट एग्जामिनेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ सर्विसेज ऑफ द स्टेट। एग्जाम कंडक्ट करवाना। इट इज कंसल्टेड ऑन द फॉलोइंग मैटर्स रिलेटेड टू पर्सनल मैनेजमेंट। जब रिक्रूटमेंट वगैरह की बात आती है तो इनको कंसल्ट किया जाता है। ऑल द मैटर्स रिलेटिंग टू द मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट टू सिविल सर्विसेज एंड फॉर सिविल पोस्ट, इन मैटर्स में इनको कंसल्ट किया जाता है। द प्रिंसिपल टू बी फॉलोड इन मेकिंग अपॉइंटमेंट टू सिविल सर्विसेज एंड पोस्ट एंड मेकिंग प्रमोशन एंड ट्रांसफर फ्रॉम वन सर्विस टू अनदर। इनको कब कब
कंसल्ट किया जाता है, जैसे कोई स्टेट पब्लिक सर्विस के थ्रू रिक्रूटमेंट हुआ उनका, देन उनका ट्रांसफर वगैरह करना है, ठीक है। मान लो मेरा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू मुझे सरकारी नौकरी लग गई, मेरा ट्रांसफर करना है, मेरा प्रमोशन करना है, तो राज्य सरकार क्या करेगी, राज्य सरकार एक बार स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से कंसल्ट करेगी। ये चीज़ हमने यूपीएससी में भी देखी थी कि वहाँ पे भी ट्रांसफ़र और वहाँ पे भी जब प्रमोशंस वगैरह इनकी जो चीज़ें होती है वहाँ पे एक बार यूपीएससी से कंसल्ट किया जाता है। द सूटेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट टू सिविल सर्विसेज एंड पोस्ट फॉर द प्रमोशन एंड ट्रांसफर फ्रॉम वन सर्विस टू अनदर एंड अपॉइंटमेंट बाय ट्रांसफर और डेप्यूटेशन द कंसर्न्ड डिपार्टमेंट मेक रिकमेंडेशंस फॉर प्रमोशंस रिक्वेस्ट to स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन टू रेटिफाई देम। वही वाली बात है कि कुछ भी ट्रांसफर प्रमोशन करना है तो कंसर्न डिपार्टमेंट विल रिक्वेस्ट द कंसर्न डिपार्टमेंट इनको रिक्वेस्ट करेगा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को टू रेटिफाई देम कि आप एक बार देखिए हम इनका ट्रांसफर प्रमोशन ये वाली चीजें सब करने की सोच रहे हैं। क्लियर? देन यहाँ आएगा थोड़ा सा एक एनालिटिकल पार्ट, सो प्लीज बी वेरी अटेंटिव। अब आप लोग अटेंटिव हो जाइए बिकॉज इस वाले पार्ट में एक एनालिटिकल पार्ट है। The Supreme Court has held that if the government fails to consult the State Public Service Commission in this matter, the aggrieved public servant has no remedy in the court. Again, the Supreme Court has held that if government fails to consult the State Public Service Commission in these matter, the aggrieved public servant has no remedy in the court. Agar मान लो किसी का ट्रांसफर किया जा रहा है, किसी का प्रमोशन किया जा रहा है और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से कंसल्ट नहीं किया है, तो क्या मैं कोर्ट में जा सकता हूँ? ठीक है, मान लो मेरा ट्रांसफर प्रमोशन ये सारी चीज़ें हो रही है और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से कंसल्ट नहीं किया गया है, तो क्या मैं कोर्ट में जा सकता हूँ, क्या मैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकता हूँ कि पूछा नहीं गया है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से, पूछा नहीं गया, मैं क्या हाई कोर्ट में जा सकता हूँ इस चीज़ से रिलेटेड? नहीं जा सकता हूँ, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है इफ़ द गवर्नमेंट फेल टू कंसल्ट द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इन दिस मैटर द aggrieved पब्लिक सर्वेंट हैज़ नो रेमेडी इन द कोर्ट। मेरे पास कोई रेमेडी नहीं है, कंसल्ट नहीं किया तो नहीं किया, ये गवर्नमेंट की डिस्क्रिशनरी पावर है। ठीक है, आया समझ में? सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पेसिफाई कर दिया कि यहाँ पे पावर किसके पास में, यहाँ पे पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास में ज़्यादा है एंड दैट इज स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के पास बहुत कम पावर है। क्लियर? In other words, the court held that any irregularity in consultation with the State Public Service Commission or acting without consultation does not validate the decision of government. कोर्ट ने क्या बोला कि अगर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ने कोई कंसल्ट नहीं किया है और डिसीजन ले लिया बिना कंसल्ट करने के, सो विदाउट कंसल्टेशन इट डज नॉट इनवैलिडेट द डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट। इसका मतलब ये नहीं है कि वो गवर्नमेंट का डिसीजन है वो इनवैलिड है या जो गवर्नमेंट का डिसीजन है वो मान्य नहीं होगा। ठीक है, अगर सरकार ने कंसल्ट नहीं किया है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से तो ऐसा नहीं होगा कि वो डिसीजन अमान्य होगा या उस डिसीजन को मानेंगे नहीं, उस डिसीजन को मानेंगे बिकॉज यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने पावर गवर्नमेंट को दे दी है कि वो बिना कंसल्ट किए भी कोई डिसीजन लेता है, सो गवर्नमेंट के पास में पावर है और वो डिसीजन वैसे का वैसा रहेगा जैसे गवर्नमेंट ने बिना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से जैसे बिना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से बिना कंसल्ट के वो डिसीजन लिया। क्लियर? There's a provision is discretionary and not mandatory. Similarly, the court held that selection by State Public Service Commission does not confer any right to the post upon the candidate. However, the government is to act fairly without arbitrariness. इस चीज़ को एक ध्यान से पढ़िए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आप इस पॉइंट को पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या है, लेकिन ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जो प्रिपरेशन कर रहे हैं ना उनके लिए वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। The provision is discretionary. ठीक है, ये हमें पता है कि provision discretionary है। ठीक है, यहाँ पे and में हम इस sentence को हम समझ गए and not mandatory. ठीक, ये भी हम समझ गए। Similarly, the court held that selection by State Public Service Commission does not confer any right to the post upon the candidate. इसमें बेसिकली ये बोला गया है कि आपका हो गया है सिलेक्शन। ठीक, ऐसे हम सिचुएशन बनाते कि आपका हो गया सिलेक्शन
और सिलेक्शन जब हुआ तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक लिस्ट प्रिपेयर करी कि हमने इन कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया है, वो सरकार को दी, गवर्नमेंट देन उस पर सील साइन करेंगी एंड देन आगे रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा। यूपीएससी में मैंने आपको बताया था ना कि इनका काम क्या होता है, यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन क्या करते हैं, लिस्ट प्रिपेयर करते हैं ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट, ये लिस्ट प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। अब हम स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का पढ़ रहे हैं तो अभी उसे ही समझ लो, यूपीएससी का मैं आपको बता चुका हूँ। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एक लिस्ट प्रिपेयर करेगी, ठीक है, कि ये कैंडिडेट सिलेक्ट हुए, कैंडिडेट वन, कैंडिडेट टू, कैंडिडेट थ्री, ठीक है, ऐसे करके उन्होंने कम से कम 400 कैंडिडेट के नाम निकाल दिए कि 400 कैंडिडेट अपने राज्य की सिविल सर्विस परीक्षा में सफल हुए हैं और इन 400 कैंडिडेट्स को आगे नियुक्त किया जाए। तो अब ये लिस्ट किसके पास जाएगी, ये लिस्ट जाएगी गवर्नमेंट के पास, है ना, ये लिस्ट जाएगी आगे सरकार के पास। तो जब तक गवर्नमेंट इस चीज़ को स्वीकार नहीं करती तब तक आगे का प्रोसेस, तब तक इन 400 कैंडिडेट्स को, जब तक इन 400 कैंडिडेट को पोस्ट नहीं मिलेगी, तब तक इन 400 कैंडिडेट्स को क्या होगा, पोस्ट नहीं मिलेगी जब तक गवर्नमेंट इनको स्वीकार नहीं करेगी। क्लियर है, इतना आपको समझ में आया। अब यहाँ पे लॉजिक ये लगाओ, हम लोग देखते हैं कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन अच्छे से काम नहीं करता। जैसे हम यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से देखें तो वो कितने सिस्टमैटिक वे में काम करता है, हर साल एग्जाम होती है, रिजल्ट भी टाइमली आ जाता है, ऐसा नहीं है कि रिजल्ट में भी डिले हो रहा है, रिजल्ट भी जो यूपीएससी का है वो टाइम बाउंड मैनर में आ जाता है। लेकिन आपने स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का ये नहीं सुना कि वहाँ सरकार बदल गई, अब पता नहीं रिजल्ट आया नहीं आया, ये हो गया केस चले गया, पता नहीं रिजल्ट आया नहीं आया, कुछ भी चलता रहता है ना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का, कब तो फॉर्म आ जाते हैं, कब रिजल्ट आता है, क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। कई बार तो 6-6, 7-7 महीने रिजल्ट नहीं आता है ना, और कई बार तो रिजल्ट अटक ही जाता है। ये सारी चीज़ें आपने सुनी होगी ना, डे टू डे लाइफ में आप लोग सुनते होंगे इसे। तो अब मान लो आप में से किसी का हो गया है सिलेक्शन, ठीक है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में हो गया है आपका सिलेक्शन। एक एग्जाम्पल बनाते, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट करते हैं, यहाँ पर आपका हो गया उत्तर प्रदेश स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में आपका हो गया है सिलेक्शन। यूपीपीएससी के थ्रू आपका हो गया है सिलेक्शन, आपका इस लिस्ट में नाम है, इन 400 कैंडिडेट में से आपका लिस्ट में नाम है। अब अभी है उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार, अभी वहां पे है बीजेपी की गवर्नमेंट, है ना, बीजेपी की गवर्नमेंट है अभी उत्तर प्रदेश में। मान लो अब इलेक्शन हो जाए, ये लिस्ट जैसी गवर्नमेंट ने निकाली, ये लिस्ट जैसी गवर्नमेंट ने इनको फॉरवर्ड करी और यहाँ पे सरकार बदल गई इस दौरान। अब नेक्स्ट जो पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे आ गई है वो हम मान लेते हैं यहाँ समाजवादी पार्टी या कांग्रेस, जो भी आपको लेना है, चलो कांग्रेस लेते हैं, ठीक है, यहाँ आ गई है कांग्रेस गवर्नमेंट, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो गया, चेंज इन गवर्नमेंट, चेंज इन गवर्नमेंट, जब सरकार बदल गई और इनको ये लिस्ट फॉरवर्ड करी गई। और मान लो जैसे ही कांग्रेस आई तो कांग्रेस उस टाइम पे, मान लो अब जैसे बीजेपी पे कुछ आरोप लग रहे हैं कि इन्होंने इतना भ्रष्टाचार ये किया, तो कांग्रेस की सरकार ने आके इस लिस्ट को रोक दिया। कांग्रेस की सरकार ने बोला कि हमको ये सुनने में आ रहा है कि बीजेपी ने ये जो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्जाम कंडक्ट करवाया था, जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी उन्होंने ये जो यूपीपीएससी का जो एग्जाम कंडक्ट करवाया था, जो यूपीपीएससी ने जो एग्जाम कंडक्ट करवाया था अपनी सर्विसेज के लिए, स्टेट की सर्विसेज के लिए, उसमें घोटाला हुआ है, तो हम ये लिस्ट नहीं निकालेंगे। तो आप क्या कर लोगे, क्योंकि यहाँ तो सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में है, आपका इस लिस्ट में नाम आने से कुछ नहीं होगा, पोस्ट के लिए गवर्नमेंट का सिग्नेचर, गवर्नमेंट की परमिशन ज़रूरी है, तभी आपको पोस्ट एलोकेट होगी। क्लियर है, आ गई आपको चीज़ समझ में। ये मैंने बस आपको एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दिया कि अगर बीजेपी से कांग्रेस में आ गया और ऐसा हो गया, ठीक है, ताकि आपको एक बेटर क्लैरिटी हो। क्लियर है, सो यहाँ पे क्या है, दैट द प्रोविजन इज डिस्क्रिशनरी एंड नॉट मैंडेटरी, सिमिलरली द कोर्ट हेल्ड दैट सिलेक्शन बाय, कोर्ट ने ये बोला है, द सिलेक्शन हेल्ड बाय स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन डज नॉट कन्फर एनी राइट टू द पोस्ट अपॉन द कैंडिडेट, डज नॉट कन्फर एनी राइट टू द पोस्ट अपॉन द कैंडिडेट। क्लियर, यही एक एनालिटिकल पार्ट था जो मुझे आपको समझाना था।
द एडिशनल फंक्शंस रिलेटिंग टू द सर्विसेज ऑफ स्टेट कैन बी कन्फर्म्ड अपॉन स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बाय द स्टेट लेजिस्लेचर. अब स्टेट लेजिस्लेचर उनको कोई भी एडिशनल फंक्शंस दे सकता है. कौन दे सकता है? स्टेट लेजिस्लेचर. ठीक है. इट कैन ऑल्सो प्लेस द पर्सोनल सिस्टम ऑफ एनी लोकल अथॉरिटी कॉरपोरेट बॉडी और पब्लिक इंस्टीट्यूशन विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन. हेंस द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कैन बी एक्सटेंडेड बाय द एक्ट मेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर. अब अगर लोकल अथॉरिटी पे किसी को अपॉइंटमेंट करना है, रिक्रूटमेंट करना है किसी कॉरपोरेट बॉडी या पब्लिक इंस्टीट्यूशन में जो कि उस स्टेट के दायरे में आती हो, तो स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की पावर बढ़ा सकता है कि आप इनका भी रिक्रूटमेंट कर दीजिए, आप लोकल लेवल पे भी रिक्रूटमेंट कर दीजिए, आप किसी और पब्लिक इंस्टीट्यूशन में भी रिक्रूटमेंट कर दीजिए. तो ये स्टेट लेजिस्लेचर के पास में पावर है दैट दे कैन इंक्रीज द पावर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन. अब इसी का जस्ट अपोजिट है कि स्टेट लेजिस्लेचर के पास अगर पावर इंक्रीज करने का प्रोविजन है तो स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर डिक्रीज करने का भी प्रोविजन होगा. जब इंक्रीज करने का प्रोविजन है पावर तो ऑफकोर्स स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर डिक्रीज करने का भी प्रोविजन होगा. द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन प्रेजेंट एनुअली टू अ गवर्नर ऑफ अ रिपोर्ट ऑफ इट्स परफॉर्मेंस. द गवर्नर प्लेसेस द रिपोर्ट बिफोर द बोथ द हाउसेस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर अलॉन्ग विद द मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग द केसेज वेयर द एडवाइस ऑफ कमीशन वॉज नॉट एक्सेप्टेड एंड रीजन फॉर सच नॉन एक्सेप्टेंस. ठीक है. स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी अपनी जो एनुअल रिपोर्ट है वो किसको देगी? गवर्नर को देगी. एंड गवर्नर उसे स्टेट लेजिस्लेचर में टेबल करेंगे और अगर स्टेट लेजिस्लेचर से कोई कंसल्ट किया है, किसी कोई एडवाइस ली है और वो एडवाइस को नहीं माना है तो वो पार्लियामेंट में बोलना होगा सरकार को कि क्यों नहीं किया. नाउ व्हाट आर द लिमिटेशन एंड द वीकनेसेस ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन. SPSC is only a recruitment agency and it is not concerned with the classification of services, pay, service condition, cadre management, training, reservation, etc. ये सिर्फ recruitment agency है. ये सारी चीज़ें इनके पास नहीं है. Services, pay, ये सारी चीज़ें decide करने की power इनके पास नहीं है. It is only a recruitment agency. The governor can also exclude post services and matter from the purview of state public service commission. Even in the respect of state services, the governor can lay down the regulation of list of matter where it shall not be necessary for SPSC to be consulted. अब वही वाली बात है कि गवर्नर चाहे तो कुछ पोस्ट को एक्सक्लूड भी कर सकते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से. मान लो आज स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आज की तारीख में एक साल में 10 एग्जाम्स कंडक्ट करवा रही है. ठीक है 10 एग्जाम्स कंडक्ट करवा रही है तो गवर्नर चाहे तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की पावर कम भी कर सकता है. वो इसको 2 एग्जाम्स पे भी लेके आ सकते हैं. ये पावर किसके पास में है? गवर्नर के पास में है. क्लियर. तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की अगर पावर सरकार बढ़ा सकती है तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की पावर सरकार घटा भी सकती है. ठीक है, ये चीज़ आ गई हमें समझ में. देन गवर्नर कुछ मैटर्स स्पेसिफाई भी कर सकते हैं कि इन मैटर में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से कंसल्ट करना नेसेसरी नहीं है. लेकिन ऑल्दो अगर कुछ मैटर्स ऐसे भी हैं कि जिसमें स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से कंसल्ट करना नेसेसरी है, जो कि हमने देखे थे, उसमें भी कंसल्ट नहीं करते तो भी कुछ नहीं हो सकता. तो क्या ही फ़ायदा कि वो कुछ मैटर उसमें लिखे नहीं लिखे, क्योंकि ये प्रोविजन ऑलरेडी है. देन द रोल ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इज़ नॉट ओनली लिमिटेड बट ऑल्सो रिकमेंडेशन मेड बाय इट आर ऑफ एडवाइजरी नेचर. जो रिकमेंडेशन वगैरह है वो एडवाइजरी नेचर है. उन्हें माना जाएगा नहीं माना जाएगा सरकार के ऊपर बाइंडिंग नहीं है और सरकार भी बाध्य नहीं है कि उनसे हर चीज़ पूछे, हर चीज़ की एडवाइस ले. ठीक है. ऑल्सो द इमरजेंस ऑफ स्टेट विजिलेंस कमीशन. अब जैसे हमने सेंट्रल विजिलेंस कमीशन देखा था, UPSC और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के हमने डिबेट देखी थी ना, जो हमने यहाँ पे डिबेट देखी थी, हमने क्या डिबेट देखी थी? UPSC वर्सेस CVC. वही की वही डिबेट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन वर्सेस
स्टेट विजिलेंस कमीशन की है कि अगर किसी पर्सन के खिलाफ कोई चार्जेस वगैरह का केसेस है तो वो यूपीएससी से कंसल्ट कर सकते हैं या सीवीसी से कंसल्ट कर सकते हैं। तो सेम यहाँ पे वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से कंसल्ट कर सकते हैं या स्टेट विजिलेंस कमीशन से कंसल्ट कर सकते हैं। तो यूजली सरकार किससे कंसल्ट करती है, यूजली गवर्नमेंट इनसे कंसल्ट करना ज़्यादा प्रेफर करती है, ना कि इस बॉडी से कंसल्ट करना ज़्यादा प्रेफर करती है। तो यहाँ पे हम देखें तो अगेन स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की पावर कम हो रही है, क्लियर है। नाउ परफॉर्मेंस ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, द परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हैव बीन मिक्स्ड बैग। व्हाइल मेनी ऑफ देम हैज सेट हाई स्टैंडर्ड इन देयर एग्जामिनेशन, देयर परफॉर्मेंस हैव लार्जली बीन मैरिड बाय करप्शन, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, इररेगुलेशन इन एग्जाम। रिसेंटली सम ऑफ हैव अडॉप्टेड ऑन द लाइन ऑफ यूपीएससी एंड हैव बिगिन टू कंडक्ट देयर एग्जामिनेशन इन रेगुलर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर। वही वाली बात है कि हम यहाँ पे करप्शन के चार्जेस बहुत ज़्यादा सुनने को मिलते हैं हमको, कहाँ पे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में हमको करप्शन, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, इनके केसेस ज़्यादा सुनने को मिलते हैं। हम यूपीएससी लेवल पे ये चीज़ें सुनने को मिलती है क्या? नहीं मिलती है, ठीक है। और यहाँ पे हमें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सुनने को मिलती हैं, तो इनको अपने अंदर रिफॉर्म करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। टाइम बाउंड मैनर में एग्ज़ाम करवाना, यूपीएससी के लाइन में सारी चीज़ें करना, ठीक है, ये सारी चीज़ें करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ स्टेट ने सुधार भी किया है, कुछ स्टेट ने टाइम बाउंड मैनर में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने का भी सारी चीज़ें करी है, ठीक। अब होता ही है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में, मान लो ये आपने ये सारी चीज़ें ना ऑब्जर्व करने वाली बात है, आप लोग अपने स्टेट में ऑब्जर्व किया करो कि मान लो इस बार एग्ज़ाम हो रहा है, प्रीलिम्स हो रहा है, जो कि राज्य सेवा का जो होता है, ठीक है। जैसे हमारा सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स यूजली जून में होता है, अभी पोस्टपोन हो गया है कोविड कारण, कभी कोविड के कारण पोस्टपोन हो गया, ठीक। तो यूजली जून मई से लेके जून में, अप्रैल टू जून हम मान सकते हैं कि यूपीएससी का प्रीलिम्स होता है हर साल। वैसे ही स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रीलिम्स का कुछ पता ही नहीं होता है, कभी इनका मन होता है, जैसे 2021 में इन्होंने करवा लिया मार्च में, देन 2022 में ये चले गए अपना प्रीलिम्स करवाने दिसंबर में, देन 2023 में तो एग्जाम ही कंडक्ट नहीं हुआ, एंड 2024 का प्रीलिम्स आ गया जनवरी में। तो यहाँ पे क्या इतनी कितनी सारी इरेगुलरिटी है, इनका भी ऐसा होना चाहिए ना कि हर साल मार्च में प्रीलिम्स होना है, मतलब होना है, एक डेढ़ महीने में रिजल्ट आना है, मतलब आना है, फिर मेंस होना है, मेंस के दो तीन महीने में रिजल्ट आके फिर इंटरव्यू के लिए कॉल, ये सारी चीज़ें एकदम सिस्टमैटिक वे में होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट वे में होनी चाहिए। आई होप आपको चीज़ें क्लियर होगी, आपको स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसका जो क्रिटिकल पर्सपेक्टिव है वो भी समझ में आ गया होगा। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, अगर आपने यूपीएससी बहुत अच्छे से पढ़ लिया है तो सिर्फ आपको 10-15 मिनट लगेंगे वो छोटी छोटी चीज़ें पढ़ने में, बाकी तो आपको बाकी सारी चीज़ें आपको ईजिली बन जाएगी। सो मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।